तो ये देखो प्यारे बच्चों अगर इस वाले क्वेश्चन को तुम देखोगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर यहाँ से तुम देखोगे दो क्वाइल्स हैं अपने पास देर टू क्वाइल्स हैविंग म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कॉयल है जिनका अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ एम करेंट चेंजेज इन द फर्स्ट क्वाइल अकॉर्डिंग टू टू इक्वेशन चलो सबसे पहले अगर टू क्वाइल बना लेते हैं ये जो कॉयल है अपना फर्स्ट है और ये फर्स्ट क्वाइल है और इसके बगल में जो दूसरा क्वाइल है वो रखा हुआ है ठीक है ना ऐसा कुछ तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों के बीच जो मूचुअल इंडक्टेंस है वो दिया हुआ 0.005 जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव हैनरी यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है अब ये कहता है करंट फर्स्ट क्वाइल में इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट की अपनी एक इक्वेशन दिया हुआ है आई नॉट साइन ओमेगा टी करंट फ्लक्चुएट कर रही है तो करंट फ्लक्चुएट कर रही है तो फील्ड लाइने फ्लक्चुएट कर रही हैं फ्लक्स बदल रहा होगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ से हो रहा होगा दे आर कपली कपल्ड आई नॉट मैक्सिमम करेंट यहाँ टेन एम्पियर है तो आई नॉट साइन ओमेगा टी और ओमेगा की वैल्यू यहाँ हंड्रेड पाई है तो ये टेन साइन और यहाँ से हंड्रेड पाई टी दिस इज द करेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इन द फर्स्ट कॉयल यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू हंड्रेड पाई है तो मैक्सिमम इंडूस ई एम एफ सकेंडक्वायर तो इसमें भी अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस है करंट इसमें भी फ्लो होगा सर्किट कंप्लीट है तो और ईएमएफ भी जनरेट होगा तो ये जो ईएमएफ जनरेट होगा वो मैक्सिमम कितना होगा इसकी कैलकुलेशन करनी है तो जो मैक्सिमम ईएमएफ है अगर तुम देखोगे तो ईएमएफ का डिफिनेशन क्या है ई एम एफ इजल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस एम और डी आई ओवर डी टी आई होप के ये फार्मूला पड़े हो गए ठीक है ना तो मूचुअल इंड मूचुअल इंडक्टेंस और ई एन डी डी सी एम में ये रिलेशन होता है आप पढ़े होंगे तो यहाँ से एम और डी आई ओवर डी टी तो डी आई ओवर डी टी यहाँ से करंट की वैल्यू डाल दो करंट की वैल्यू यहाँ से आई तो यहाँ से एम और डी आई ओवर डी टी करेंट की वैल्यू आ जाएगी टेन साइन हंड्रेड पाई टी तो इसका डेरीवेटिव ले लोगे तो आई होप कि सबको डेरिवेटिव लेने आता होगा टेन कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी तो हंड्रेड पाई टी और चेन रूल भी लगेगा डी आई ओवर डी टी हंड्रेड पाई टी का भी डेरिवेटिव आ जाएगा तो यहाँ से तुम देखोगे हाँ हंड्रेड हा, पाई टी का यहाँ से डेरिवेटिव जब तुम देखोगे तो ये आ जाएगा पूरा हंड्रेड पाई यहाँ से आ जाएगा और एम यहाँ था ही और टेन यहाँ था ही और यहाँ से बनेगा कॉस यहाँ से हंड्रेड पाई टी आ गया दिस इज द ई एम एफ जनरेटेड इंस्टेंटेनियस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम किसी भी इंस्टेंट ई एम एफ इतना ही जनरेट होगा अब हम लोगों को ये नहीं चाहिए बच्चों हम लोगों को जो ई एम एफ है वो मैक्सिमम चाहिए तो ई एम एफ फिर जब ये जो कॉस वाली ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम होगी ये मैक्सिमम होगी तो कॉस 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 ओमेगा टी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो प्लस वन होती है ठीक है ना तो ये प्लस वन हो जाएगी तो जो मैक्सिमम ईएमएफ e एम यहाँ से जनरेटेड आ जाएगा उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो वन थाउजेंट यहाँ से पाई एम के इक्वल आ जाएगी तो यहाँ से जो है एम म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ से दिया था क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो पॉइंट यहाँ से जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव तो यहाँ से तुम देखोगे वन थाउजेंट यहाँ से पाई और मल्टीप्लाई ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो यहाँ से फ़ाइव तो तीन जीरो यहाँ से ख़त्म हो गया ये तीनों तो फाइव पाई बोल्ट यहाँ से मैक्सिमम ई एम एफ जनरेट होगा इससे ज़्यादा कभी भी ई एम एफ जनरेट नहीं हो सकता ठीक है मतलब अपना बी ऑप्शन सही हो जाता है